समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र पर पिछले साल की तुलना में इस वर्ष कम आए गेहूं खरीदी केंद्र पर अंतिम दिन हमालों व किसानों में विवाद होने से तोड़ हुआ। बंद बची किसानों का शनिवार को माल तोलेंगे। बदनावर के खिलेड़ी गांव में 27 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू हुई थी। खिलेड़ी के शासकीय केंद्र पर अंतिम दिन के एक दिन पहले 14 मई तक 49,992 क्विंटल गेहूँ खरीदी गया। समिति के महेश मुकाती ने बताया कि अभी तक खरीदी गेहूं परिवहन हो गया केवल 1480 क्विंटल का परिवहन शेष है। समिति के खरीद केंद्र के कर्मचारी वर्दी चंद पाटीदार ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार कम माल आया है। इस केंद्र पर खिलेड़ी टकरावड़ा के किसान गेहूँ लेकर आए थे। किसानों ने बताया कि प्राइवेट कंपनी समूह ने प्राइवेट संस्था शर्मा कृषक उत्पादक कंपनी लिमिटेड सहित संस्था द्वारा गेहूँ खरीदा जा रहा है। हमारा नंबर आने का 22 तारीख था और लाइन में लगे हैं और आज भी हमारा माल नहीं तोला गया। जिनका नंबर बाद में है हमालों द्वारा उनका माल तोल गया, जिसके चलते किसानों और हमालों के बीच विवाद होता रहा। प्राइवेट संस्था के उमेश पाटीदार ने बताया कि अंतिम दिन शुक्रवार को किसानों व हमालों के बीच तोल में नंबरों के कारण विवाद हो गया, जिसमें हमाल चले गए और किसानों का माल नहीं तोला जा सका। उनका माल अंतिम दिन शनिवार को तोला जाएगा। धार से जिला संवाददाता राजेश चौहान की रिपोर्ट।